सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मेरा रैंक चेक कर रहा हूँ, BGMI में मेरा रैंक चल रहा है रैंक 21 और मतलब बहुत ही क्लोज हूँ रैंक 1 होने के। मतलब ये सीजन एंड होने से पहले 25 डेज है सीजन एंड होने को, उससे पहले रैंक 1 लगाने वाला हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं उतरा था इस गेम प्ले, देखो ये गेम प्ले जो है ना वो मेन आईडी का नहीं है, मेरा मेन आईडी का रैंक चल रहा है 21 एंड इस आईडी में रैंक चल रहा है रैंक पता नहीं बट टायर चल रहा था एस मास्टर। सो एस मास्टर से कॉन्करर पुश कर रहा मैं इस आईडी में। तब यहाँ स्टार्टिंग में मैं उतरा था प्रीमोक्स में, जोन के एच पे उतरा था, लूट वगैरह करके फिर पुश करने का डिसाइड किया था। तब यहाँ पे दो बंदे आए थे तो यहाँ पे दोनों को मारेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में उतरते ही, एंड फिर चलते आगे जोन में और बंदे मारने के लिए। राइट से भी साउंड है, दो किल मिल गए उधर से। तो यहाँ पे दोनों बंदे को क्लियर करने के बाद उतरते ही अपने को दो किल मिल चुके थे, आराम से लूट गया और निकल गया जोन की साइड में। तभी यहाँ पे एक बंदा ओपन में भाग रहा था, उसका बंदे का शायद से लैग हो रहा था, लैग कर रहा था, ये तो पता ही नेक्स्ट लेवल का। तो मैं चला गया और बंदे ढूंढने, बिकॉज इस मैच में यार मेरे को किल्स करने की बहुत इच्छा हो रही थी और यहाँ पे लिटरली बंदों को घुस घुस के मारा है, मतलब ढूंढ ढूंढ के मारा है बंदों को और 15 किल्स चिकन निकाला है ये मैच। फाइनली अबे मेरा HP कैसे गया, पड़े उसको बे। तो यहाँ पे जो दूसरा बाइक वाला था ना उसको भी काफ़ी डैमेज पड़ा था, तो मैं सोचा यार क्या लूटने का, चलो बाइक वाले को ढूंढ के मारेंगे, बट बाइक वाला तो मिला नहीं तो उसको पीछा करते करते ना मैं उसी डायरेक्शन में गया और जॉर्जो पहुँच गया मैं। तो भी जॉर्जो पे ना स्क्वाडस में एक बंदा था लेफ्ट में, बंदा स्क्वाडस में बंदा क्या जम मारा भाई, सुपरमैन हो भाई तुम तो। ओए हरामी, मैं लूटने भी नहीं दिया बंदे ने, एमजेंसी उठाना मेरे को। अब ये वॉस्टर वाला बंदा लाइक लिटरली ले ही गया था मेरे को, काफी लो एचपी कर दिया था, थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर रहा था वो वॉस्टर से और मैंने उसको डीपी के स्प्रे से मारा। उसका कोई अच्छा ड्रॉप पकड़ नहीं था, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो यहाँ पे जो स्क्वाडस वाला प्लेयर था उसके पास थी MG3 ड्रॉप वगैरह, इसने लूटा था और हमें चला गया और बंदे ढूंढने, सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका था, 23 अलाइव थे। और ये जो रोजक में अभी एक बंदा रहता है ना, ये जो बंदा होता है ना भाई काफ़ी टॉक्सिक बंदा था, इसका माइक ऑल पे था जब मैं इस, और ये S12 के लेके बैठा था, ठीक है ये बंदा लेके बैठा था S12 के, और जैसे मैं इसको मारता हूँ ना भाई गाली देने लगता है ये मुझे ऑल पे। अरे बाप रे, चल गए
आ गया स्ट्रीम स्ट्रीम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर लेना एस2आर चिराग वाईटी। एस2आर चिराग वाईटी तुम्हारी शुद्ध गालियां सुनाई देंगी। मैं जाना मैं जान दूँ रिसर्च चेक करते हैं यहाँ पे हो सकता है। ओ यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं बंदे। स्नैक्स व्हाई आर यू लेटिंग हियर, स्नैक्स कर रहे थे क्या ब्रो यहाँ पे लेट के स्नैक्स। ये स्नेक बन के स्नैक ले रहा था। भाई ये बंदे डीबीएस शॉटगन लेके बैठे थे, वो रोजो वाला बंदा भी शॉटगन लेके बैठे। अब ना यहाँ पे मैं थोड़ी देर डिसाइड किया कि स्क्वाडस होल्ड कर लूंगा सेंटर में, ये सेंटर में था, बट यहाँ पे मैं सोचा कि किल्स हो रहे तो किल्स निकाल ही लेते, बट सामने हो रहा था थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी करने गया था, मतलब दो बंदों का फाइट हो रहा था मैं थर्ड पार्टी करने गया। ठीक है मैं सोचा और किल्स निकाल लेंगे इतना अच्छा मैच जा रहा है तो, बट जब यहाँ पे मेरे पे थर्ड पार्टी होने लग गया ना तो मैं बोला भाई छोड़ो भाई आप चिकन के लिए ही खेलते। निकल यहाँ से, पीछे से भी पड़ रहा है। अरे एम के मैं चुपचाप सर्कल आके होल्ड किया, जोन भी यहाँ पे था, लास्ट तक जोन यहाँ पे था पूरा, मेरे पे इधर सर्कल सबको ओपन में आना था और इजी चिकन निकला यहाँ से। जोन पूरा मेरे पे नाइस, नहीं नहीं ओपन में नहीं। भाई साहब ग्रोज वाला यही था, मेरे को लगा वो पानी वाला जो था वो ग्रोज वाला होगा। कंपाउंड में एक बंदा, ये सारे जोन से ही मर जाएंगे। लेट्स गो, दोनों को ले लिया। चिकन बोलते ब्रो, जोन ने भी अच्छा साथ दिया इस मैच में। 15 किल्स चिकन डिनर। अभी साइड में देखो कितना अच्छा प्लस मिला था, 35 का प्लस मिला था, आई थिंक 34 का प्लस मिला था एस मास्टर टायर पे। और सी यू गाइस एट नाइट ऑन स्ट्रीम, 2 आवर्स बचे और मेरी मेन आईडी में, तो उस पर भी रैंक पुश करेंगे 2 आवर्स में, देखते कितना और प्लस कर सकते हैं। बाय।